गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नन्नू ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रेलवे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, जो कि रेलवे के एएलपी और टेक्नीशियन से रिलेटेड अपडेट है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं कि ये रेलवे और टेक्नीशियन और एएलपी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो अब तक किसी भी चैनल ने नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इस न्यूज़ के बारे में यूट्यूब पर किसी भी चैनल ने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में बताता हूँ कि जो जो न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो इससे पहले फ्रेंड्स, जब तक मैं आप लोगों को इस न्यूज़ के बारे में बताऊं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे से जुड़ी ऐसे ही बहुत जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हो मैं आप लोगों के पास टाइम टू टाइम पहुँचाता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग अपना अपडेट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे नई दिल्ली में रेलवे एएलपी को लेके एक लोगों में काफ़ी ये था कि रेलवे में एएलपी में अब जैसे कि मेट्रो अगर आप डीएमआरसी का फॉर्म भरते हैं तो डीएमआरसी में एएलपी के लिए इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पे लोगों में काफ़ी अफवाह फैला हुआ था कि रेलवे की जो एएलपी एग्ज़ाम होगा इसमें इंटरव्यू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहली इसमें दो तीन बातें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊँगा, जिसमें से सबसे पहली बात है कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं, मतलब इंटरव्यू आपका नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पहला ये अपडेट है। उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरा अपडेट दूंगा। ये जैसा कि आप सबको पता है कि 62,907 पोस्ट के लिए जो ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए थे, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि लगभग 3 करोड़ 4 करोड़, बहुत से अफवाह के रूप में आप लोगों सुने कि इतने फॉर्म भरे गए हैं। तो फ्रेंड्स, रेलवे ने हालांकि उस बात का ऑफिशियल प्रूफ रेलवे ने भी दिया था कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जो एक्सेप्ट हुए हैं ओनली 1.9 करोड़ फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं। तो ये बात रही ग्रुप डी की। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप डी के बाद अब मैं फिर अगेन एएलपी पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, एएलपी के लिए जैसा कि आप सबको पता है कि 26,502 पोस्ट हैं। ठीक है, 26,502 एएलपी और टेक्नीशियन के पोस्ट थे। तो इसके लिए जो फॉर्म भरे गए थे फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि किसी भी चैनल ने नहीं बताया। फर्स्ट तो मैंने आप लोग बताया 1.9 करोड़ वाला, कि जो ग्रुप डी में ओनली 1.9 करोड़ के फॉर्म के एक्सेप्ट किए गए। उसके बाद मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन और लोको पायलट की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस में देखिए आप लोग यहाँ पे जो टेक्नीशियन और एएलपी की बात करें तो ओनली 47.56 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, सिर्फ एक्सेप्ट हुए हैं, सॉरी ओनली 47.5 लाख फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं विथ रेफरेंस ऑफ पोस्ट 26,502। तो ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये कभी तक किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया था। सब ने ये दिखाया था 3 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए, 4 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए, लेकिन ये जो, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक पेपर का नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित पेपर में अभी पिछले 4-5 दिन पहले पेपर में प्रकाशित हुआ था, वो न्यूज़ है। मैं आप लोगों को जेन्युइन न्यूज़ दे रहा हूँ, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।